वंडरलैंड टू रीड करने वाले हैं। क्लास सिक्स में आप लोगों ने एलिस इन वंडरलैंड वन को रीड किया था, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर कौन सा पार्ट भी करने वाले हैं? पार्ट टू ना, चैप्टर फाइव। ठीक है। वेल द नेक्स्ट थिंग एलिस फाउंड वाज लिटिल के। एलिस ने सबसे उसके बाद कौन सा चीज मिला उसको? एक छोटा सा केक। केक कौन सा? ये जो केक दिख रहा है ना, वैसा ही एक छोटा सा लिटिल केक उसको मिला विद द वर्ड ईट मी। उस पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ था? ईट मी। मीनिंग क्या उसका? मुझे खाओ। तो उन्हें केक मिला जिसमें लिखा हुआ था ईट मी, मुझे खाओ। मॉम ऑन ईट, सो शी सैट देयर एंड एट इट अप। तो वो वहीं बैठ गई और बैठने के बाद उसने क्या किया? उसने खाना शुरू किया। एंड देन गेस व्हाट हैपेंड टू हर? शी ग्रेव एंड ग्रेव एंड ग्रेव। जैसे ही उसने खाना शुरू किया तब अचानक उसके साथ क्या हुआ? वो क्या होने लगी? ग्रेव ग्रेव एंड ग्रेव। वो बड़ी होने लगी और अचानक खूब बड़ी होने लग गई। टॉलर देन शी वाज बिफोर, टॉलर देन एनी चाइल्ड। वो और लंबी हो गई, जो किसी भी दूसरे चाइल्ड होते उनके कंपेयर में वो बहुत लंबी हो गई। टॉलर देन एनी ग्रोन अप पर्सन, किसी भी लंबे व्यक्ति की तुलना में बहुत ज़्यादा लंबी होने लग गई। टॉलर एंड टॉलर, जस्ट लुक एट द पिक्चर। विच एलिस वुड यू लाइक द बेस्ट? ए टाइनी एलिस, नो लॉन्गर देन ए डॉल, और ए वेरी टॉल एलिस टचिंग द सीलिंग ऑफ द रूम? पुअर एलिस। तुम्हें कौन सी एलिस पसंद आएगी? तुम्हें कौन सी पसंद आएगी, वो छोटी सी एलिस या वो लंबी सी एलिस? छोटी सी। लंबी वाली नहीं पसंद आएगी? तो वो छोटी एलिस अब क्या हो गई है? बहुत लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है, टॉलर हो गई है ना। तो बेचारी पुअर एलिस। व्हाट डू यू थिंक? तुम क्या सोचते हो? वाज शी हैप्पी टू फाइंड हरसेल्फ टॉल इनफ टू रीच द टेबल? क्या वह अब हैप्पी होगी? क्या वो खुश होगी? क्यों खुश होगी? क्योंकि जो टेबल में एक क्या रखा हुआ था? टेबल में की रखा हुआ था, है ना, जिसे छोटी होने के कारण वो क्या नहीं कर पा रही थी, उसे वो मिल नहीं पा रहा था। तो क्या वो अब हैप्पी होगी? उस की को, जो चाबी है, अब उसे वो मिल जाएगा। किसके कारण? क्योंकि वो अब लंबी हो गई है, तो लंबी होने के कारण अब वो चाबी उसे मिल जाएगा। तो क्या वो खुश हो जाएगी अब? हाँ, वो खुश हो जाएगी। रीच द टेबल एंड गेट द की टू अनलॉक द डोर, और टू बी टू स्मॉल टू गेट थ्रू द डोर। वेल शी कुड डू दैट, बट डू यू थिंक शी कुड गेट आउट ऑफ द टाइनी डोर? क्या वो अब खुश है कि उसे अब चाबी मिल गया, या अब वो इसलिए, या तब वो खुश रहती जब वो छोटी थी और वो डोर से बाहर जा सकती थी? वो किस चीज़ में ज़्यादा खुश रहती, छोटी रहती कि बड़ी रहती? शी कुड ओनली जस्ट मैनेज टू लाइफ लेट पुट हर हेड डाउन ऑन द फ्लोर एंड लुक आउट ऑफ द डोर। उसने क्या किया? की लिया और क्या खोला उसने? क्या खोला उसने कि दरवाजे का लॉक खोला, अनलॉक किया, और खोलने के बाद वह क्या करने लगी? दरवाजे के बाहर झांकने लगी। पर तो क्या थी, काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो लंबी होने के कारण क्या वो दरवाजे के बाहर जा सकती थी? नहीं। तो वो क्या कर लिया उसने? वो फ्लैट लेट गई जमीन पर। उसने क्या किया? वो सो गए। और सोने के बाद सिर्फ उसका फेस, उसका जो ये हेड पार्ट है, वो दरवाजे के बाहर खिड़की से झांक रहा था। वो एक खिड़की की तरह दिख रहा था उसके लिए वो दरवाजा, जिसके बाहर वो क्या कर रही थी, वो झांक कर देख रही थी। पुअर चाइल्ड, शी सैट डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेप्ट बिटरली। शी वेप्ट एंड वेप्ट एंड वेप्ट। अब वो फ्लोर पर बैठ गई, जमीन पर बैठ गई और क्या करने लगी? खूब रोने लगी। बिटरली, बिटरली मीन्स क्या होता है? बिटर मीन्स कड़वा होता है, पर बिटरली मीन्स बहुत बुरी तरह से रोने लगी, बहुत बुरी तरह से रोने लगी। हर टीयर रेन डाउन लाइक अ रिवर, और उसका जो टीयर था, टीयर मीन्स आंसू, वो कैसे बहने लगा? बिल्कुल रिवर की तरह, नदी की तरह बहने लगा। एंड वेरी सून देयर वाज अ लार्ज पूल ऑफ टीयर इन द रूम, और बहुत जल्दी पूरा का पूरा जो रूम था वो क्या बन गया? रिवर बन गया, नदी बन गया। ठीक है। सडनली द वाइट रैबिट एंटर द रूम, ही वॉज जस्ट अप टू गो समवेयर। अचानक व्हाइट रैबिट, छोटा वो जो सफ़ेद रैबिट था जिसके पीछे पीछे वो इस रूम तक आई थी, वो उस रूम में एंटर करता है, घुसता है, और वो क्या बोलता है? वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुआ था, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? उसके हाथ में एक छोटा सा क्या था? फैन। He
ही हैड अ लिटिल फैन, एक छोटा फैन था, एंड ग्लव्स इन वन हैंड, और एक हाथ में दस्ताने लगाए हुए थे, एंड अ वॉच इन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में उसके हाथ में क्या थे, एक वॉच थी, एक घड़ी थी. ही वॉज लुकिंग एट हिज वॉच मटरिंग टू हिमसेल्फ. वो घड़ी देख रहा था बार बार और मटरिंग कर रहा था. मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, खुद से बात करना, है ना. तुम धीरे धीरे बात करते हो ना, कभी कभी बड़बड़ाते हैं, तो वैसे वो मटरिंग कर रहा था. आई एम लेट, ओह आई एम लेट, मैं लेट हो गया, ओह मैं लेट हो गया. ही डिड नॉट नोटिस एलिस, एलिस रिक्वेस्टेड हिम प्लीज सर. जब वो रूम में आया तो उसने एलिस को नहीं देखा, वो इतना लेट था कि वो देख नहीं रहा था कि एलिस उस रूम में है. अचानक एलिस ने क्या कहा, एलिस रिक्वेस्टेड हिम, एलिस ने उनसे रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया, प्लीज सर. उसने क्या रिक्वेस्ट किया, प्लीज सर. द व्हाइट रैबिट वाज सो फ्राइटेंड ऑन हियरिंग द वॉइस दैट ही ड्रॉप्ड हिज फैन एंड ग्लव्स एंड रन अवे थ्रू द डोर. अचानक व्हाइट रैबिट है वह एकदम डर गया, फ्राइटेंड हो गया. अचानक उसकी आवाज सुना तो क्या हो गया, बहुत डर गया. और उसने क्या किया, उसका जो हाथ में जो क्या था, पेन था, वो उसने गिरा दिया, और हाथ में एक और हाथ में क्या था, उसका ग्लव्स था, वो उसने नीचे गिरा दिया, ठीक है. और क्या करने लगा, एंड रन अवे थ्रू द डोर, और दरवाजे से वो बाहर भाग गया. एलिस लुक अ डीप साइग एंड लुक अप द लुक अप द टुक अप द फैन एंड बिगिन टू फैन हरसेल्फ. एलिस ने क्या किया, एलिस ने एक लंबी सांस ली, कैसे ली लंबी सांस, और फैन उठाया, फैन को उठाया और क्या किया, एंड बिगिन टू फैन हरसेल्फ, और खुद को क्या करने लगी, खुद को क्या करने लगी, वो तो क्या करने लगी, फैन करने, अपने आप को पंखे से हवा करने लगी, ठीक है. एंड लो व्हाट हैपेंड विद द मूवमेंट ऑफ द फैन, शी गॉट स्मॉलर स्मॉलर एंड इन अ मिनट शी वाज जस्ट अबव द साइज ऑफ अ मॉथ. जैसे जैसे वो फैन से अपने आप को हवा करते जा रही थी, वो क्या होते जा रही थी, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, छोटी होते जा रही थी, छोटी होते जा रही थी, छोटी होते जा रही थी, और कितनी छोटी हो गई वो, एक माउस के बराबर, कितने के बराबर, एक माउस के बराबर. In the pool of tears, a mouse was already swimming. Alice was also swimming in with him. उस क्योंकि उस रूम में एलिस के आंसुओं से क्या भर गया था, पूरा स्विमिंग पूल बन गया था, है ना. उसमें एक चूहा पहले से ही तैर रहा था, एक चूहा क्या कर रहा था, पहले से ही तैर रहा था. They came out of the pool and both were wet. एलिस और वो जो माउस थे दोनों के दोनों बाहर आए पूल से, और दोनों के दोनों क्या हो गए थे, हो गए थे. देयर वेयर अदर क्रिएचर इन द स्विमिंग पूल लाइक ए डोडो, अ डक एंड ए इग्लेट. और क्या क्या थे पूल में, एक माउस और एलिस के अलावा एक डोडो था, एक डक था, और एक इग्लेट था, एक ईगल का बेबी था इग्लेट, और एक डक, एक बतख था, एक डोडो, वो भी एक बतख के जैसे क्रिएचर होता है, एक छोटा सा प्राणी होता है जो बतख की तरह ही दिखता है पर थोड़ा बड़ा होता है. Alice heard them talking about a party in the garden outside and she thought. Alice ने उन लोगों से बात करते हुए सुना, उन लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक पार्टी है कहाँ, बाहर गार्डन में, और फिर वह सोचने लगी. यहीं पर हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है.